देश भर में स्वाइन फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू से अब हिमाचल प्रदेश भी अछूता नहीं रहा है। प्रदेश में स्वाइन फ्लू थमने का नाम नहीं ले रहा है। टांडा में जनवरी माह में अब तक स्वाइन फ्लू के 17 मामले सामने आ चुके हैं। मामले की पुष्टि करते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला कांगड़ा डॉक्टर जीडी गुप्ता ने बताया कि टांडा मेडिकल कॉलेज में स्वाइन फ्लू के 3 मामले सामने आए हैं। ताजा मामला एक प्रसूति और नवजात में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। ये दोनों मामले चंबा जिला से संबंधित हैं, जबकि एक मामला कांगड़ा के बलधार से सामने आया है। टांडा मेडिकल कॉलेज में 12 लोगों के सैंपलों की जांच की गई थी, जिनमें से 5 सैंपल में से 3 सोमवार को पुष्टि हुई है, जबकि मंगलवार को 5 में से 2 की पुष्टि हुई है। इस माह अब तक 17 मामले स्वाइन फ्लू के सामने आ चुके हैं। टांडा के साथ साथ आईजीएमसी में भी स्वाइन फ्लू के 2 ताजे मामले सामने आए हैं। एक मामला शिमला का है, जबकि दूसरा मामला मंडी जिला का है, जिन्हें डॉक्टर ने टेमीफ्लू की दवाई देकर उपचार चल रहा है। गौरतलब है कि अब तक स्वाइन फ्लू से प्रदेश के 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। वहीं हिमाचल में भी स्वाइन फ्लू से 5 लोगों की मौत के बाद जयराम सरकार ने अलर्ट घोषित कर दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ राज्य में स्वाइन फ्लू की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य संस्थाओं में दवाओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध करवाने के निर्देश भी दिए हैं। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है अभी तक। इस सीजन में 17 लोग जो है स्वाइन फ्लू के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं आरपीएमसी टांडा, जो कि ऑथराइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर है गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा ये टेस्ट आईजीएमसी में और सीआरआई कोहली में किया जाता। और सर बाकी जिला में जैसे 17 केसेज जो हैं वो सिर्फ टांडा में ही हैं, बाकी जिला में नहीं? नहीं, क्योंकि इसको जो डायग्नोज करने की फैसिलिटी सिर्फ टांडा, शिमला और कसौली में अवेलेबल है, तो बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी सैंपल टांडा में आते हैं। पिछले काल तक जितने सैंपल टांडा में टेस्ट किए गए उसमें से 17 में स्वाइन फ्लू पॉजिटिव पाया गया, जिसमें से 14 डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के हैं पेशेंट्स और 3 जो है वो आउटसाइड डिस्ट्रिक्ट के हैं। और सर इसकी दो दवाइयां वगैरह क्या वो अवेलेबल हैं हमारे पास? टेमीफ्लू अवेलेबल करके मेडिसिन देते हैं मरीज को भी और जो उसके क्लोज कॉन्टेक्ट हैं, जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके मुताबिक वो हमारे सारे चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध है, और जिसको भी वो दवाई मिलनी चाहिए उसको वो दवाई दी जा रही है। इसके अलावा जो हमने अपने स्टाफ को, मेडिकल ऑफिसर्स को, बीएमओस को इसके बारे में जो भी गवर्नमेंट की लेटेस्ट गाइडलाइंस आती हैं हम उनको उसके बारे में अवगत कराते हैं, और हमारा विभाग अलर्ट पे है, मतलब आम जनता को सतर्क रहने की जरूरत है पर कोई पैनिक घबराने की जरूरत नहीं है।